बजरंग पुनिया के बाद अब महिला पहलवान विनेश फोगाट ने शनिवार को खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार लौटा दिया। विनेश ने शनिवार को अपना पुरस्कार लौटाया है। इसके एक दिन बाद रविवार को इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। दिल्ली पुलिस की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचने से रोकने के बाद विनेश फोगाट ने दोनों पुरस्कार कर्तव्य पथ पर रख दिए थे। राहुल गांधी ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, देश की हर बेटी के लिए आत्मसम्मान पहले है, अन्य कोई भी पदक या सम्मान उसके बाद। आज क्या एक घोषित बाहुबली से मिलने वाले राजनीतिक फायदे की कीमत इन बहादुर बेटियों के आंसुओं से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्र का अभिभावक होता है, उसकी ऐसी निष्ठुरता देख पीड़ा होती है। वहीं पुरस्कार लौटाने के पहले एक्स पर पोस्ट किए गए अपने लेटर में विनेश फोगाट ने पीएम को संबोधित करते हुए कहा था, प्रधानमंत्री जी, मैं आपके घर की बेटी विनेश फोगाट हूं और पिछले एक साल से जिस हाल में हूं ये बताने के लिए आपको पत्र लिख रही हूं। उन्होंने आगे लिखा, क्या हम महिला खिलाड़ी सरकार के विज्ञापनों पर भी छपने के लिए बनी है? बता दें कि इससे पहले बजरंग पुनिया भी अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा चुके हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।